गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ अनमोल विचार। और आपको पता है ये विचार किसके हैं? जल्दी से गेस कीजिए। 2 अक्टूबर को उनकी जयंती है। मैंने आपको दिया एक क्लू। यस, इट्स अबाउट महात्मा गांधी जी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। वह इतने महान थे और उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए इतने प्रयास करे कि जिनको भूलना भी हमारे लिए असंभव है। उन महान इंसान के विचार जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आइए आज हम उन्हें पढ़ते हैं और उनको ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट विचार, भूल करने में पाप तो है परंतु उसे छुपाने में उसे बड़ा पाप है। उनका देखिए कितना महत्वपूर्ण विचार है कि भूल करना तो पाप है ही, लेकिन अगर आपसे कोई भूल हुई है और अगर आप किड्स उसको अपने पेरेंट्स से छुपा रहे हैं तो ये उससे भी बड़ा पाप है। अगर कोई भूल हुई है तो उसको कन्फेस कीजिए, हो सकता है आपके पेरेंट्स उसमें आपकी हेल्प करें। ओके, उनका अगला विचार है, जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर है। अर्थात हमेशा हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, उनका अगला विचार, लंबे लंबे भाषणों से कहीं अधिक मूल्यवान इंच भर कदम बढ़ाना। ओके, आपने एक पूरा भाषण सुना या फिर सपोज कीजिए आपने किसी टॉपिक पर स्कूल में पूरा लेक्चर सुना, वो 1 आवर का था या फिर 1/2 आवर का, लेकिन उसको सुनने के बाद आपको वो बहुत अच्छा लगा एंड आपने उसको अप्लाई करने के लिए सोचा, लेकिन अगले ही दिन आप क्या करते हैं, उसको भूलना स्टार्ट कर देते हैं। तो पूरा भाषण सुनने से अच्छा अगर आपने एक छोटा सा पॉइंट भी नोट कर लिया और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया, उसके अकॉर्डिंग अगर आप ज़िंदगी में चलने लगे तो ये बहुत बेटर है। तभी कहते हैं थोड़ा पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि वो कभी भूले नहीं। एग्ज़ाम आज हो या फिर 1 मंथ लेटर, आप उसको में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओ। आइए उनका नेक्स्ट विचार पढ़ते हैं, भविष्य में क्या होगा मैं यह नहीं सोचना चाहता, मुझे वर्तमान की चिंता है। ईश्वर ने मुझे आने वाले क्षणों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया है। देखिए कितना अच्छा विचार है, वो कहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा यह मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे प्रेजेंट की चिंता है। और बच्चों, जो लोग अपनी प्रेजेंट की चिंता करके अपना प्रेजेंट ब्यूटीफुल बनाते हैं, प्रेजेंट अपना यूजफुल बनाते हैं, उनका फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेटर ही होता है। तो ये ना सोच कर कि फ्यूचर में आप क्या करेंगे, ये सोचिए कि आपको प्रेजेंट में कितना अच्छा और क्या अचीव करना है, तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली बहुत ही बेटर होगा। तो कितने अच्छे लग रहे हैं ना गांधी जी के विचार। आपको पता है बच्चों कि गांधी जी जिनके विचार इतने महान थे उनको प्यार से बच्चे बापू जी कहते हैं और फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है उन्हें। लेकिन ये बचपन से ऐसे नहीं थे, बचपन में इन्होंने चोरी भी की, झूठ भी बोला, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए और इनको अपनी गलतियों का एहसास होता गया तो इन्होंने सब कुछ कन्फेस किया और अपने आने वाले जीवन में सारी अच्छी बातें की और उनको अपने जीवन में भी अप्लाई करा और अपने अच्छे विचारों को दूसरों को भी प्रोवाइड करा। तो है ना मजे की बात। आइए इनका पढ़ते हैं अगला विचार, कुछ ऐसा जीवन जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, कुछ ऐसा सीखो जैसे कि तुम हमेशा जीने वाले हो। आपको समझ में आया किड्स? लाओ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमें जीवन ऐसा जीना चाहिए कि जैसे हम कल मरने वाले हैं।
इसका मतलब ये नहीं है किड्स कि हम कल मर जाएंगे, इसका मतलब ये है कि हमें अवगुण त्याग देने चाहिए। जैसे होता है ना कि मरने के टाइम हम लोग क्या, कई लोगों को हमने देखा है कि मरने के टाइम वो क्या कहते हैं कि हमने ये मिस्टेक करी, हमने वो मिस्टेक करी, और जगह जगह सॉरी बोलते हैं, भगवान से सॉरी बोलते हैं। तो हमें जीवन ऐसे जीना है कि अवगुण अपने अंदर लाने ही नहीं है, सब कुछ अच्छा करना है। और हमें सीखना ऐसे है कि जैसे हमें ज़िंदगी भर जीना है, जैसे कि हमने कोई अच्छी चीज़ सीखी तो उसको हमें ऐसे सीखना है कि हम उसको कभी ना भूलें। है ना कितना अच्छा विचार। आइए हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट विचार। मैं सिर्फ लोगों के अच्छे गुणों को देखता हूँ, ना कि उनकी गलतियों को गिनता हूँ। ये विचार किड्स बहुत ही बढ़िया है, और आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि ये विचार मैं भी अपनी जीवन में अप्लाई करती हूँ। मैं कोई मूवी देखूँ, कोई सीरियल देखूँ, किसी पर्सन से मिलूँ, मैं उसके अच्छे गुणों को सिर्फ देखती हूँ और उसकी गलतियों को इग्नोर कर देती हूँ। यही एक पहचान है सफलता प्राप्त करने वाले इंसान की। अगर आप किसी की गलतियों को गिनते रहोगे तो एक दिन क्या होगा, वो गलतियाँ आपके अंदर खुद एंटर करने लगेंगी, या तो गुस्से के रूप में या फिर बदले के रूप में। तो कोई भी मूवी देखो, कोई भी सीरियल देखो, उसमें अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में उतारो और उनकी गलतियों को इग्नोर करो। आइए गांधी जी का नेक्स्ट विचार पढ़ते हैं। कमजोर किसी को माफ नहीं कर सकता, माफ करने के लिए मजबूत लोग, माफ करना मजबूत लोगों की निशानी है। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है। माफ करना सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर आप खुद सोचो किड्स, अगर आपके फ्रेंड ने कोई मिस्टेक करी है, सपोज कीजिए उसने आपकी कोई चीज़ चुराई है, या फिर कोई चीज़, कोई फेवरेट चीज़ है आपका, सपोज कीजिए आपका फेवरेट ज्योमेट्री बॉक्स है और आपके फ्रेंड ने उसे तोड़ दिया, तो क्या आप उसे माफ़ कर पाएंगे? देखिए उस पर गुस्सा करना तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको बहुत गुस्सा आएगा कि आपके फ्रेंड ने उसको तोड़ा, लेकिन माफ़ करना काफ़ी टफ है। लेकिन जो लोग माफ़ करना सीख जाते हैं, दैट मीन्स वो बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि जो स्ट्रांग नहीं है, वीक हैं, वो माफ़ नहीं कर पाते। नेक्स्ट विचार है, यह स्वास्थ्य ही है जो हमारा सही धन है, सोने और चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ नहीं। तो ये बहुत ही उत्तम विचार है किड्स। अगर हम हेल्दी हैं तो हम बहुत सारा सोना और चांदी अपने लाइफ में अर्न कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारा सोना चांदी है, बहुत सारी दौलत है, ज़मीन है, जायदाद है, और हम अनहेल्दी हैं, सबसे पहली बात, अगर हम अनहेल्दी हैं तो हम इन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, इन चीज़ों से इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनका मूल्य हेल्थ के आगे कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, और सेकेंड थिंग तब अपने काम पर, दैट मीन्स आपको क्या अर्न करना है, क्या अचीव करना है, वो आप तभी अचीव कर पाएंगे अगर आप हेल्दी रहेंगे। अगर इन शॉर्ट में मैं कहूँ किड्स, तो हेल्थ इज वेल्थ। आइए पढ़ते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले ये करना चाहिए। देखिए गांधी जी सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते थे, और अगर हो सके तो आप भी ये करिए, ताकि आपके जीवन में भी चेंजेस आए और आप भी अपने जीवन में सक्सेसफुल पर्सन बन पाएं। नंबर वन, मैं भगवान के अलावा किसी से नहीं डरता। कितना अच्छा सेंटेंस है। डरना है तो भगवान से डरो, क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं जिन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की। बाकी तो सबने कोई ना कोई मिस्टेक्स की हैं, सब में कोई ना कोई अवगुण है, कोई ना कोई कमी है। आप खुद सही रहो और सिर्फ भगवान से डरो। नंबर टू, मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचूंगा। सुबह उठ के ही अपने मन में ये संकल्प धारण करो कि मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचूंगा। अगर आप किसी के बारे में गलत सोचेंगे तो उस पर्सन की जो अपीयरेंस है, इमेज है आपके माइंड में, ऐसी बन जाएगी कि आप उसके सामने जाएंगे और वो आपको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन ये दिखाएंगे कि आपने उसके बारे में गलत सोचा है। तो किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। नंबर थर्ड, मैं अन्याय के पक्ष में नहीं झुकूंगा। अन्याय के पक्ष में झुकने वाला खुद एक अन्यायी होता है। दैट मीन्स न्याय का साथ दीजिए हमेशा। नेक्स्ट, मैं झूठ को सच से जीतूंगा। हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हमारे भारत को आज़ाद करवाया। और जबकि अगर हम सोचें तो काफ़ी अजीब लगता है कि बिना लड़े
कोई जंग जीतना एक रियली बहुत ही मतलब अप्रिशिएबल वर्क है और बहुत ही स्ट्रेंज वर्क है, लेकिन गांधी जी ने कर दिखाया। झूठ का विरोध कर के सभी कष्ट सह सकूंगा। किड्स, सच का साथ देना आसान नहीं होता, सच का साथ देने के बाद बहुत सारे कष्ट सहने होते हैं, तो झूठ का विरोध करके सभी कष्ट को हम सह पाएं इसका संकल्प हमें डेली सुबह उठकर करना चाहिए। यह पांच बातें अपने अंदर अवश्य अपनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स। इफ यू लाइक माई वीडियो एंड लाइक माई एक्सप्लेनेशन, डोंट फॉरगेट टू गिव थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो इन योर ग्रुप। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।